सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड में। पिछले एक साल का रिटर्न 155% का है। साल भर पहले स्टॉक 200 के आसपास था दोस्तों। इसका जो 52 वीक लो है 229 का है, बढ़कर 620 का इसने 52 वीक हाई बना लिया। आज इंट्रा डे में भी ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, लगभग 3 से 4%, 590-595 के आसपास स्टॉक प्राइस है। तो एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, इसके बिजनेस पॉइंट की बात करेंगे और डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, और इसका जो शेयर प्राइस का ट्रेंड बना हुआ है पिछले एक साल के अनुसार, तो उसके अनुसार बात करेंगे आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। तो जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, एक तेज़ी बनी है शेयर प्राइस में। तो शेयर बाज़ार में पैसा बनता है, बट ये कि समय देना पड़ता है दोस्तों। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो इंडियन मल्टीनेशनल स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आगे आने वाला समय बैटरीज कंपनियों का काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिजनेस पॉइंट की बात कर लेते हैं, और लास्ट क्वार्टर में Q4 FY24 के नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था दोस्तों। तो जिनके पोर्टफोलियो में एक्साइड इंडस्ट्री है, तो जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने, ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा, एक्स डेट होगा 22 जुलाई 2024 रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट होगा। और डिविडेंड का पेमेंट आगे आने वाले समय में एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसी के बाद पेमेंट होगा। डिविडेंड से भी कमाई होने वाली है। ₹2 का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था चौथी तिमाही के नतीजों के साथ। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके बिजनेस पॉइंट की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड का 4,178 करोड़ का था, 4,178 करोड़ का था। और अगर साल भर के अनुसार देखते हैं, तो जो इसका रेवेन्यू रहा है 4,000 करोड़ के आसपास का रहा है दोस्तों। और प्रॉफिट की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं, 186 करोड़ का प्रॉफिट था। और पिछले एक साल की बात करते हैं, तो लगभग 270 करोड़ का प्रॉफिट इसका सितंबर 2023 में था दोस्तों। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम रहा था, लास्ट क्वार्टर में 186 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को। प्रॉफिटेबल कंपनी है, और थोड़ा बहुत अप डाउन लगा रहता है। अब इसके फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो 48,739 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू ₹1 का, बुक वैल्यू पर शेयर 151 का है, डिविडेंड यील्ड है 0.35% का, ईपीएस है 10 का, आरओई है 6.80% का, पी रेशियो है 55 का दोस्तों। पी रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आ गया अब, और इसका जो बुक वैल्यू है 151 का है, शेयर प्राइस 600 में। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आगे आने वाले नतीजों में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, रेवेन्यू कितना बढ़ता है, प्रॉफिट कितना बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा दोस्तों, और स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये फंडामेंटल्स हैं, जिसमें देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, बुक वैल्यू पर शेयर 151 का है, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 600 के आसपास अभी स्टॉक प्राइस पहुंचा है, थोड़ी बहुत तेज़ी आ गई है। तो नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे, तो ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, देखिए आज इसमें तेज़ी है, 3-3.5% की तेज़ी है इंट्राडे में। बट बात हो रही निवेश और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो जिनका निवेश है इसमें 200 के आसपास, 250 के आसपास, क्योंकि इससे पहले ये स्टॉक 200-150 के बीच, 150 से 200 के बीच ही घुमा करता था। अब मार्केट में तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन शेयर में तेज़ी बनी। मार्च के महीने में ये 300 के आसपास था, इसी साल वहाँ से बढ़कर अब 590-593 के आसपास कारोबार कर रहा है, और हाई जो बना लिया 620। एक तरह से देखिए पिछले 2-3 महीने में ये दुगना हो गया दोस्तों। तो बाज़ार में पैसा बनता है, बट ये कि समय लगता है दोस्तों। बाजार में पैसा बनता है, और कंपनी अच्छी होती है, जैसे एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड पुरानी कंपनी है ऑटो सेक्टर में, और अब फोकस में भी है। आगे आने वाला समय बैटरीज कंपनियों का रहेगा, उसमें से एक्साइड इंडस्ट्री की भी हिस्सेदारी रहेगी। तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है, जो टेक्निकली बात करते हैं तो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। बीच बीच में इसमें झटके आ जाते हैं, स्टॉक में गिरावट या मुनाफा वसूली आ जाती है,
जून के महीने में 455 में आ गया था, फिर से बढ़कर ऊपर की तरफ 592 में आ गया। तो स्टॉक का जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड है दोस्तों। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर ख़रीदारी की है, अब बात कर लेते हैं क्या करना चाहिए। जिन्होंने लोअर लेवल पर ख़रीदारी की है तो होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए, जिनके पास समय है निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, तो जैसे कि आज 3.5% ऊपर की तरफ है, 620 का रेजिस्टेंस होगा, 620 को ये ब्रेक करता है तो 650, 670, 700 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में अच्छे नतीजे पेश करेगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा। तो 2025-2026 तक यहाँ से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और स्टॉक 900, 1000 प्लस भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये कि समय लगेगा दोस्तों। तो ये एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। आगे जो अपडेट होगा इसका Q1 के नतीजे आएंगे 2024-2025 का, उसका अपडेट किया जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में।